मैं अगर बात करूं चेहरे पर दाग धब्बों की, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल, जो शायद पैदाइशी होते हैं या आपके इनहेरिटेड होते हैं। दूसरे होते हैं जो आपके आसपास का जो पॉल्यूशन है, जो आप आसपास का वातावरण है, माहौल है, उसके कारण हुआ हो। तो जो पहला वाला होता है वो तो शायद रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दूसरा टाइप का है, जो आपके आसपास के पॉल्यूशन से हुआ है और कहीं ना कहीं आपके खान पान या और चीज़ों का प्रभाव है, तो उसको आप अपने तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, आप लेप लगा सकते हैं, जो आयुर्वेदिक प्राकृतिक जो लेप आते हैं। जो चीज़ों को मैं सिर्फ आपको इतना सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिन जिन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राकृतिक होनी चाहिए, उनका कहीं ना कहीं नुकसान आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान होता है तो बेहतर है कि आप सिचुएशन को उसी तरीके से हैंडल करें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चीज़ें मैटर तो करती हैं, बट इतना ज़्यादा भी मैटर नहीं करती। कहीं ना कहीं अगर दाग धब्बे आपके रह भी जाते हैं तो आपका टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये चीज़ें एक समय के बाद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पर। डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाएं अपने सारे सवालों के जवाब, वो भी हमारे ब्यूटी एंड फैशन एक्सपर्ट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप।